Assalamu alaikum students, this is Mathematics D2 series in front of you. It is start from class 7 to onwards and in O-level classes in most of the schools of Pakistan. Today we are doing chapter 4, exercise 4A, and our topic of today is factorization. I have written question number 11's C part, which is 2h square plus 7hk minus 15k square. We have to do the factorization on this question. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वो पिछले लेक्चर की तरह ही मैं ये बात रिपीट करूँगा कि हमें फ़र्स्ट वाले और लास्ट वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पे 2h स्क्वायर है और यहाँ पे 15k स्क्वायर है. हमें इस इन दोनों को एक लेड पेंसिल से अम्ब्रेला के ज़रिए ज्वाइन कर देना है. ठीक है, इस अम्ब्रेला को ज्वाइन करवाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मौजूद है h स्क्वायर का यानी कि 2, और यहाँ पे जो k स्क्वायर का कोएफिशिएंट मौजूद है 15, 2 15 times 30, ये रफ वर्क में साइड पे लिख लिया. ये साइड पे रफ वर्क में आपने 30 लिख लिया, 2 15 times 30. और इसको लिखने का क्या मकसद है वो मैं बाद में बताता हूँ आपको. फ़िलहाल आप 2h स्क्वायर को नेक्स्ट लाइन पे इक्वल के साइन लगा के 2h स्क्वायर लिखें और माइनस 15k स्क्वायर लिखें. यहाँ पे ये प्लस का साइन भी लिखें. 7hk आप नहीं लिखेंगे, उसकी जगह थोड़ा सा आप एक्सपेंडेड ब्रैकेट लगाएं और ये वाला जो साइन है जहाँ पे माइनस हो या प्लस हो वो आप इस मिड में लगा दें. माइनस था सो मैंने मिड में माइनस लगा दिया. अब आप क्या करेंगे, ये जो 30 लिखा था आपने ये देखना कि 30 किस किस के टेबल में आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 1 के टेबल में आता है, 1 30 times 30 हो जाएगा. और 2 के टेबल से चलेंगे, 2 15 times 30. और 3 के टेबल में भी आता है, 3 10 times 30. और 4 के टेबल में तो नहीं आता, 5 6 times 30. और 6 5 times करेंगे, 5 6 times एक ही बात है, अब मैं 6 5 times नहीं कर रहा. 7 के टेबल में 30 नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं, फिर 10 3 times 30. और 3 10 times मैं ऑलरेडी कर भी चुका था. 10 के बाद ये 15 के टेबल में आता है, वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि 2 15 times पहले ही कर चुका हुआ था. अब इन टेबल्स को लिखने का क्या मकसद है, देखें सब के टेबल में 30 आ रहा है. मैंने ये जो ऊपर सर्कल में 30 लिखा हुआ है ये कहाँ से आया है, ये इस अम्ब्रेला के ज़रिए गेन हुआ है. आगे ये देखना है कि 30 किस किस के टेबल में आता है, वो हमने राइट डाउन कर लिए कि 30 किस किस के टेबल में आ रहा है. इस जिस लेवल पर मैं सवाल कर रहा हूँ ये बिल्कुल जो इनिशियल स्टेजेस पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये बेसिक. मैं ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट कर रहा हूँ. मेरा दिल करता है कि जो स्टेज जिनकी अभी इनिशियल स्टेजेस हो, जो बिगनर्स लेवल पे हो, उनको भी सारी बातों का इलम हो. उम्मीद है जो सीनियर लेवल स्टूडेंट्स होंगे या जो भी मेरे लेक्चर को वॉच कर रहे होंगे सीनियर, उनको ये बातों का इलम होगा और वो कह रहे होंगे कि इस टीचर जो है ये क्यों ये बातें ईजी बातें रिपीट कर रहे हैं. लेकिन सभी बच्चों को साथ लेकर चलना होता है, इसलिए छोटी छोटी बेसिक बातें भी बताना पड़ती हैं. इनमें से हमने वो पेयर पिक कर लेना है जिनकी सब्ट्रैक्शन करने से ये 7 आ जाए. तो 10 और 3 जो है एक ऐसा पेयर है, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा. इसलिए मैंने 7 नहीं था लिखा, उसकी जगह पे हम लिख देंगे 10hk माइनस 3hk. ये एच के क्यों लिख रहे हैं, ये 7 अगर हम इसको माइनस करेंगे 10 में से 3 तो 7 आ जाएगा, और 7 के साथ ऊपर h और k भी था ना, इसलिए h और k भी लिखा जाएगा. अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्योंकि 2h स्क्वायर अपनी जगह पर ही रहेगा, प्लस की वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे. जो मेन काम था वो हमने कर लिया, जो मुश्किल काम होता है ना वो इस स्टेप तक होता है, आगे से आप इजीली कर लेते हैं. ब्रैकेट ओपन हुई है, माइनस 15 के स्क्वायर भी अपनी जगह पर ही है, और 2 यहाँ से 2 भी कामन है और यहाँ से h भी कामन है. ये 2 कामन है तो इसका एक h अंदर रह जाएगा, 2 5 times 10, और h कामन था इसलिए नहीं लिखा. 3 कामन है और k भी कामन है, यहाँ से h अंदर रहेगा और 3 5 times 15 होता है और k भी रहेगा. ये दोनों चीज़ें एक सेम आई हैं, इसको सॉरी ये प्लस लिखना था क्योंकि बाहर माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज होगा. दोनों चीज़ें आपकी हमेशा सेम आनी चाहिए, इनको ओनली वंस लिखेंगे, 2h minus 3k. दिस इज़ द आंसर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल आफ्टर watching the video. Thank you for watching and please have a look at it again, and if you did not get anything, repeat the video and watch it again.